हे व्हाट्स अप गाइस, तो सबसे पहले बात करेंगे 47 के बारे में। तो उनका एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है जहाँ पे उन्होंने बात कर रही थी डिस कल्चर के बारे में, तो पहले आप वो देख लीजिए। मेजर डिस वॉर चली थी जो सबसे पहला तो कह रहे घुस गए थे। पता ये कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि लोग ऐसे घुस गए थे नहीं घुसे थे, सब फेयर होता है भाई, जिसको करना है वो करे। किसी को अगर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये डिस्क कब निकालेगा कब नहीं निकालेगा, और फिर आप उसके बाद उसी पे ही बंदिश लगा दो कि भाई अच्छा तू ये नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि आप पर्सनली ऑफेंड हो रहे हो, तो फिर आप चूतिया हो। अगली अपडेट नेस्टी निंजा की तरफ से है। तो वो अपने इंस्टा पे लाइव आए थे जहाँ पे उन्होंने कलमकार और रफ्तार के बारे में क्या बोला, देख लीजिए। ऑल आई हैड माई थिंग विद रफ्तार, वही रखड़ाने वाला काम किया उसने जो सबके साथ करता है, हर गानों को रखड़ा देने वाला सीन, तो मेरे गाने को भी रखड़ा दिया उसने फटे। बहुत टाइम से रखड़ रहा हूँ, बोले थे सबसे पहली बात मैं जिंदगी में बता रहा हूँ, दुनिया के सबसे वाहियात फैन ना भाई उनके ही है। लोग एमिवे को बोलते हैं कि तुम्हारे छपरी फैन है, पर एक बात बताओ कि एमिवे के फैंस में एटलीस्ट इतनी डिसेंसी है ना कि भाई वो किसी के माँ वा को बहन में इनको जाके गाली नहीं दे रहे। तो आगे हम बात करेंगे ब्रो द वी के बारे में। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक Q&A रखा था जहाँ पे उन्होंने कोलाब विद कृष्णा और बीफ के बारे में भी बात कर रही थी। बैंगर एंड स्टार्ट टू फिनिश बार 1 टू द लास्ट बार इज ऑल बार्स आफ्टर बार्स, इवन रोन करियप्पा इज गोना हैव अ हेडेक ब्रेकिंग दिस। I'm of the opinion that the beef is over and everybody wants to move on, make their own music, and as fans, y'all should support your favorite artists and let them make their own music and not just drop diss tracks. तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो में, टिल देन बाय।